दुनिया का हर एक देश हमारे देश में आकर बिजनेस करना चाहता है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का स्कोप काफी ज्यादा है। अगर हम मिस्टर डैनियल को ही ले लें तो अमेरिका के रहने वाले हैं और यहाँ पे आकर बिजनेस कर रहे हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा देश ग्रो कर रहा है और बिजनेस के काफी सारे स्कोप बढ़ते जा रहे हैं और ये हम लोगों को विरासत में ये धरोहर मिला है जिसका हमें भी फायदा उठाना चाहिए और लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, तभी हमारा देश विकास करेगा और नई ऊंचाइयों पे पहुंच सकेगा। अमेरिका के रहने वाले मिस्टर डैनियल हमारे ही देश में रहकर कैंडल मेकिंग बिजनेस करते हैं। जी हाँ, वो अमेरिका से हमारे देश में आकर कैंडल मेकिंग बिजनेस करते हैं और अच्छा खासा इस व्यवसाय को उन्होंने बढ़ा रखा है। दोस्तों, आप जानते हैं हमारा जो देश है वो पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं एक दूसरे से, इसीलिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल मेकिंग कैसे करते हैं, इसे कैसे बनाया जाता है और कैसे पैकेजिंग कर बाजार में बेच के आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। कैंडल मेकिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ता है मोम। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोम रखा हुआ है और इस मोम को यहाँ पे गर्म किया जाता है। गर्म करते वक्त ध्यान रखें कि 70 डिग्री जब इसका तापमान हो जाता है तो 70 डिग्री होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सांचा है और इसी सांचे में मोम को जो है जो 70 डिग्री में गर्म मोम है उसे डाला जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से मोम को सांचे में डाला जा रहा है। जब सांचे में मोम को डाल दिया जाता है उसके बाद उस सांचे को ठंडा होने के लिए आप पानी में रख सकते हैं या फ्रीजर में रखकर इसे ठंडा कर सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही फैंसी कैंडल जो है हमारे सामने बनकर तैयार हो चुका है और अब बारी है इसमें धागा लगाने की, जिसको फिर हम जला सकते हैं। आप ये प्रोसेस यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये जो महिला है इस मोमबत्ती के अंदर धागा लगाएंगे। धागा को, ये बड़ी मोमबत्ती है इसीलिए इसमें धागा जो है ड्रिल के माध्यम से लगाया जा रहा है। धागा डालने के बाद फिर इसके अंदर गरम मोम के कुछ बूंद डाले जाएंगे जिससे वो धागा अच्छे से मोमबत्ती के अंदर बैठ जाए। ये दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोम डालना होगा ताकि धागा जो है बैठ जाए, बाहर ना निकले। ये एक फैंसी मोमबत्ती बनकर आपके सामने तैयार हो चुकी है। यहाँ पे एक हीटर है और हीटर पे इस मोमबत्ती को थोड़ा थोड़ा नीचे से पिघलाया जा रहा है ताकि इसका जो शेप है वो लेबल में आ सके। इसी प्रकार से आप अलग अलग तरह के भी मोमबत्ती बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन के भी मोमबत्ती आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बनाया गया है। उसी तर्ज पर आप देख सकते हैं कि इनमें अभी गर्म मोम भरा जा चुका है, अब इन्हें ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद सांचे से निकाल लिया जाएगा और इसके अंदर आपने देखा प्रोसेस, उसी प्रोसेस के तहत इसके अंदर धागा लगा दिया जाएगा और गर्म फिनिशिंग कर दिया जाएगा। मोमबत्ती बनकर पूरी तरह से तैयार है और अब टाइम आ गया है इसके पैकिंग करने का। आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे पैकिंग किया जाता है। ये पैकिंग करने से पहले साफ सफाई की प्रक्रिया है इसकी, तो इसकी गंदगी निकल जाती है। अब इस तरह से पैकिंग हो रहा है।
जैसा कि आपने देखा अब इसकी पैकिंग हो चुकी है और अब ये कैंडल बाजार में बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत आसान प्रक्रिया है कैंडल बनाना, मोमबत्ती बनाना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस वीडियो के जरिए पता चल गया होगा कि कैंडल कैसे बनाते हैं और कई तरह के कैंडल्स आप इसी प्रक्रिया के जरिए बनाकर बाजार में बेच सकते हैं, जैसा कि मिस्टर डैनियल बेचते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या मैं थोड़ी सी भी आपकी मदद कर पाया हूं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक का बटन मुझे दे दीजिएगा। हालांकि इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलता लेकिन हमारा हौसला और बढ़ जाता है। दोस्तों अगर भविष्य में आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं या हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। दोस्तों कैंडल मेकिंग प्रोसेस का यह भाग एक था। भाग दो में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी छोटे और निम्न कैंडल के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।